हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आप सबका स्वागत है लर्निंग रूट्स ए टू जेड पर। तो आज का हमारा पॉइंट है वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में वैक्सीनेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है? वैक्सीनेशन का मतलब है इंड्यूज इम्यूनिटी रिस्पॉन्स के लिए जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं वो क्या होता है? वैक्सीनेशन। देखो, वैका का मतलब होता है काऊ। ठीक है, ये वर्ड कहां से आया है? वैक का मतलब क्या होता है? काऊ। और ये किसने डिस्कवर किया था इसको? वो है एडवर्ड जेनर, जो आपने पता होगा अभी स्मॉल पॉक्स अगेंस्ट काऊ पॉक्स, ये जो इस पर काम किया था। ठीक है, जिससे पूरी पूरी दुनिया में जब आज के टाइम पे स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं है तो इसका क्रेडिट किसको दिया जाता है? एडवर्ड जेनर को। ठीक है, तो ये बात ये है कि वैक्सीनेशन होता क्या है। देखो, कई बार क्या होता है, हम जब भी बीमार होते हैं तो फिर बीमार होने के बाद हम अपनी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट करवाते हैं, या तो बॉडी अपने आप करती है या फिर हम पैसिव इम्यूनिटी के द्वारा अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज को डालते हैं। पता है ना एक्टिव और पैसिव का मेन डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है, जब तक हम बीमार हो तब बॉडी में एंटीबॉडी बने, एक तो ये बात है, यानी कि हमें वेट करना है। तो उसमें फिर दो चांस रहते हैं, एक तो हमें परेशानी होगी जब हम बीमार होंगे, दूसरा हो सकता है हमें सीवियर डिजीज हो जाए। ठीक है, काफी गंभीर तरीके से हम बीमार हो सकते हैं, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो इस प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए एक हमारे पास ऑप्शन क्या है, वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में क्या करेंगे, हम अपनी बॉडी में ऑलरेडी कोई भी वायरस बैक्टीरिया वो डाल देते हैं। किस फॉर्म में वो डलेगा, या तो वीक फॉर्म में या फिर डेड फॉर्म में। अब बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा, हमारी बॉडी से डिटेक्ट कर लेगी कि ये पैथोजन है, और उसके अगेंस्ट एंटीजन, क्या जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, उसको फिर किल कर देगी। फिर वो सेल एज ए मेमोरी हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, और फर्दर जब सेम एंटीजन या फिर कोई पैथोजन सेम आकर बॉडी पर अटैक करता है, तो जो हमारे पास मेमोरी सेल थे वो फिर उन पर अटैक करते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ते हम, तो ये किस लिए करते हैं हम, वो करते हैं इंड्यूस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। हमारी बॉडी में इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे वैक्सीनेशन करवाते हैं। कैसे करते हैं, मैंने जब अभी बताया कि डेड या फिर वीक पर्सन लेंगे, उसे इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी में, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्रोवाइड टेम्परेरी एंड परमानेंट एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, या तो क्या होगा, ये प्रोवाइड टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, यानी कि कुछ मामलों में मेमोरी सेल्स जो सिर्फ उनका टाइम पीरियड होता है वो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक ही बॉडी में रहते हैं, या फिर परमानेंट, यानी कि वो एक बार बनने के बाद बॉडी में लाइफ टाइम तक है जो वो स्टोर हो जाएंगे, और या वो क्या है, एक्टिव यानी कि बॉडी ने खुद बनाए हैं, या फिर पैसिव या फिर वो बाहर से इंजेक्ट किए गए हैं, जो एंटीबॉडी है जो वो उसके बेस पे ये डिपेंड होता है। फिर इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, वो है मेमोरी। इस पे मेमोरी यानी कि मेमोरी की तरह है, किस्म से हमारी बॉडी में याददाश्त की तरह बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और फर्दर जब सेम एंटीजन आएगा तो उस पर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन, यानी कि देख, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन दोनों पॉइंट एक दूसरे पर डिपेंड है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है इंजेक्शन लगाना, ठीक है, और इम्यूनाइजेशन होता है बॉडी क्या रिस्पॉन्स करती है वैक्सीनेशन के बाद। अब देखो, वैक्सीनेशन में हमने कोई इंजेक्शन में कोई दवाई नहीं ली है, हमने क्या लिया है उसमें, उसमें हमने वीक या फिर डेड पैथोजन लिया है, तो बॉडी उसका अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी वो क्या होता है, इम्यूनाइजेशन, यानी कि फॉर्मेशन करती है किसका, एंटीबॉडीज का। ठीक है, यानी कि प्रोसेस बाय विच बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट वैक्सीन, जो वैक्सीन हमने डाली है उसके अगेंस्ट बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हो, द चेंज कम आफ्टर वैक्सीनेशन इन बॉडी, बॉडी में वैक्सीनेशन के बाद जो भी चेंज आता है, जो भी एंटीबॉडीज बनते हैं वो क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल, जैसे कि पोलियो है, डिप्थीरिया, टेटनस, मीजल, टीबी, तो इनके हमारे पास, इन सब के क्या हमारे पास वैक्सीनेशन आज के टाइम पे है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये बीमारियां होने से पहले ही बॉडी में इनके अगेंस्ट हम एंटीबॉडी बना लेते हैं। फिर वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एज ए मेमोरी स्टोर हो जाती है, और फर्दर जब भी कोई इन बीमारी से रिलेटेड पैथोजेंस बॉडी में एंटर करता है तो पहले से मौजूद एंटीबॉडी इन पर अटैक करती है और हमारी बॉडी डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाती है। तो ये हमारा पॉइंट क्या था, ये था हमारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। अभी हमारा टॉपिक है वो है एलर्जी, जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ही नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो एलर्जी क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, मोस्ट कॉमन डिजीज है एलर्जी, यानी कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है किसी भी चीज के खिलाफ।
आप देखते होगे कि आपको कई जगह जब धूल होती है तो आप बार बार छींकते हो, ठीक है। आपको कोई स्पेसिफिक कोई भी खाने की चीज जब वो अच्छी नहीं लगती, उसके अगेंस्ट बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, या फिर कोई भी फर्दर कोई साल्ट है या फिर कोई मेडिसिन है वो आपको एलर्जी कोज कर देती है। तो यही हमारा मेन पॉइंट है कि एलर्जी होता क्या है। तो एलर्जी का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी है वो एक्स्ट्रा रिएक्ट करती है जब भी कोई भी एंटीजन है उसके खिलाफ, ठीक है, वो होता है एलर्जी। आप कई बार जब भी नई जगह पर जाते हो तो नई जगह पर जाने के बाद आपको वहां पर ज्यादातर खांसने की, छींकने की या फिर रनिंग नोज यानी कि आपके नाक बहने की ज्यादा शिकायत होती है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, कभी सोचा ये चीज? क्योंकि जब भी आप नई जगह पर जाते हो तो वहां आपको पता है एंटीजन हर जगह आसपास पूरे बॉडी पूरे संसार में हर जगह कहीं पर भी प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप नई जगह जाते हो तो वहां के एंटीजन आपके लिए नए होते हैं, और जब वो आप ब्रीथिंग करते हो तो जब आप बॉडी में अंदर जाते हैं तो बॉडी उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स रिएक्ट करती है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके खिलाफ बॉडी अपने एंटीबॉडी एंटीबॉडी फॉर्म करेगी और वो एंटीबॉडी फिर रिएक्ट करते हैं जिससे बॉडी आपकी फिर ओवर रिएक्ट करती है, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है, द एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स। एग्जीग्रेटेड मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा, एबनॉर्मल, असामान्य, ठीक है, यानी कि जरूरत से ज्यादा। एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो जरूरत से ज्यादा फिर असामान्य परिस्थिति में वो करता है, माने अपने रिस्पॉन्स करता है किसके खिलाफ, टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, वातावरण में मौजूद जितने भी एंटीजन पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट एक एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेनली बात यह है कि फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। होता कैसे है, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जैसे कि पोलन है, डस्ट, स्पोर्स, फेदर्स यानी कि पंख होते हैं जो, और क्या होता है, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर जो एनसीईआरटी में पॉइंट दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि एनिमल्स के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो जैसे कि कोई मच्छर है, मच्छर उड़ रहा है, आपके ऊपर पंखा चल रहा है, तो पंखे से अगर मच्छर कट गया तो वो उसके पार्ट्स अलग अलग हवा में है और वो उड़कर हमारी नोज में चले गए, सांस ले रहे हैं हम उसके अगेंस्ट, उससे हमारी बॉडी में चले गए, वो क्या है, एनिमल डेंडर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो वो छोटे होते हैं जिसके पार्ट्स कटकर हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है। ये सब मेन क्या करते हैं, एलर्जी कोज करते हैं, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं, ये देखो जब भी बॉडी में ये सब एलर्जन, ध्यान सुनना, एक है एलर्जी वो एक एलर्जन, एलर्जन होता है एलर्जी कोज करने वाले। तो ये सब क्या है, एलर्जन। जब भी एलर्जन बॉडी में एंटर करते हैं तो कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, वो होता है आईजीई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईजीई है जो ये अगेंस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस होता है किसके, एलर्जन के। तो क्या होता है, जैसे ही एलर्जन बॉडी में एंटर करता है, मास्ट सेल होती है बॉडी में, उस पर ये एंटीबॉडी क्या करता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये इस पर अटैच हो गया, अब यहां पर एलर्जन है, इस एलर्जन ये कहां अटैच होगा, ये इसकी बाइंडिंग साइट पर अटैच हो जाएगा। जैसे ही एलर्जन मास्ट सेल के साथ बाइंड हुए एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है, उसी टाइम पर यहां से दो सब्सटेंस रिलीज होते हैं, कौन से वो हैं, हिस्टामाइन्स और एक सेरोटोनिन, ठीक है, ये दो रिलीज होते हैं। ये दोनों ही मेन एलर्जी कॉज करते हैं जिससे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, बॉडी का कलर चेंज हो जाता है, छींक आती है, नोज बहती है हमारी, ठीक है, इस तरीके से। तो किस वजह से होता है, ये है हिस्टामिन से और सेरोटोनिन से। ये कहां से आए बॉडी में, ये मास्ट सेल ने रिलीज किए, तब कब रिलीज किए, जब एंटीबॉडी ने एंटीजन को बाइंड किया, ठीक है, उस टाइम पर। तो मेन सिम्टम्स क्या हैं, वो है स्नीजिंग, कफ, वाटर वाटर यानी कि आंखों से पानी बहता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ईचिंग यानी खुजली होती है हमें, और एक्जिमा यानी कि स्किन कलर है जो रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और हमें लाल लाल से निशान हो जाते हैं बोर्ड, और स्किन का कलर में इंफ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है, कलर रेड हो जाता है और इंफ्लेमेशन यानी कि थोड़ा थोड़ा सूज जाती है हमारी स्किन, ठीक है, वो होता है एक्जिमा। अब इसका क्योर क्या है, तो इसके लिए मेनली जो हम ड्रग्स ले सकते हैं, कौन सी ड्रग होगी, एंटी हिस्टामाइन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड हम ले सकते हैं जिसकी वजह से हम एलर्जी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, तो भाई इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे मेन रीजन यही है कि हमारी बॉडी है जो वो आजकल बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखने लग गए हम,
यानी बिल्कुल ऐसा सोचो कि पहले जब थे वो मिट्टी में या फिर कहीं पे भी हम आसानी से खेलते थे, कहीं पे भी हाथ लगा देते थे, उसकी बॉडी पर हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करते रहते थे, तो हमारी बॉडी को पता होता था और हर एक के खिलाफ मेमोरी सेल होती थी। पर आजकल हम ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे हम बड़े साफ रख रहे हैं। अगर छोटा बच्चा है उसे बाहर जाने नहीं देते, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चे की बॉडी होती है वो बहुत सारे जितने भी एंटीजन होते हैं उनको नॉन नहीं है उनके लिए, ठीक है। जैसे ही कोई भी न्यू बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट एकदम से क्या होती है, बॉडी एग्जेगरेटेड रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आसपास हम बिल्कुल बच्चों को एसी में रखते हैं, साफ सफाई वाली जगह पर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी है जो मैक्सिमम एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाती है, एलर्जी होती है, क्योंकि उसे एकदम से रिस्पॉन्स करना करती है, उसे लगता है कि कोई खतरनाक चीज आ गई है जो बॉडी पर अटैक कर सकती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम है जो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, और वो रिस्पॉन्स क्या होता है, कभी जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होती है, एलर्जी। तो आज का हमारा पॉइंट इतना ही था। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।